सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। तेली समाज में एकजुटता व मजबूती के साथ साथ जागरूकता लाने को लेकर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की जिला स्तरीय बैठक बेलवा टिकर स्थित मिलन मैरिज हॉल में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान तेली समाज को मजबूत कर सत्ता में भागीदारी सहित समाज के हर मोर्चे पर मजबूत करने पर बल दिया गया। तेली समाज को एकजुट करना, जागरूक करना। आप देख रहे हैं कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए और 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अमृत महोत्सव, 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मनवाया जा रहा है। अब वो भी कब, जब 75 साल बाद भी हम तेली समाज के लोग न्यायपालिका में घुस नहीं सके। आज जितने सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जितने जज हैं, आपको 1% भी तेली नहीं मिलेगा। न्यायपालिका में आज भी लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ, फिर भी हमसे अमृत महोत्सव मनवाया जा रहा है। कार्यपालिका में आइए, जितने भी आईएएस और आईपीएस झारखंड सहित पूरे हिंदुस्तान में हैं, रिटेन में हमारे बच्चे 90%, 92%, 95% नंबर लाते हैं, लेकिन साक्षात्कार में उनको 5-10% नंबर देकर छाट दिया जाता है। आजादी के 75 साल बाद भी हम कार्यपालिका में अपने लोगों को आईएएस और आईपीएस के श्रेणी में उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। 1% भी आपको तेली नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमसे अमृत महोत्सव मनवाया जा रहा है। अब विधायिका में आइए, तेली समाज की जनसंख्या झारखंड प्रदेश में 10% से अधिक है, और यह सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 10% से अधिक है। लेकिन आप विधानसभा में जाकर देखेंगे तो 1-2% भी आपको तेली विधायक नहीं मिलेगा। लोकसभा में जाकर देखेंगे तो 1-2% भी आपको तेली सांसद नहीं मिलेंगे। राज्यसभा में जाकर देखेंगे तो 1-2% भी आपको तेली सांसद नहीं मिलेंगे। एमएलसी में जाकर के देखेंगे तो 1-2% भी आपको तेली एमएलसी नहीं मिलेंगे। बोर्ड निगम में जाकर देखेंगे तो 1-2% भी आपको तेली बोर्ड निगम का चेयरमैन नहीं दिखेगा। लेकिन हमसे अमृत महोत्सव मनवाया जा रहा है। मीडिया से आप हैं, अब हम आपसे अपनी बात नहीं कहेंगे तो हमारी आवाज जनता तक कैसे पहुंचेगी।